الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد بزرگان محترم فرزندان اسلام اور اپنے گھروں سے सुनने वाली माओ और बहनों आज मुबारक के मौक़े पर मैं आपसे जुमे का एक खिताब कर रहा हूँ और मेरा ये खिताब किसी एक फ़िरके की मस्जिद का खिताब नहीं है मेरा ये खिताब उमत मुस्लिम के अफराज से है मेरा ये खिताब उन से है जो अपने को शिया कहते हैं और उन से है जो अपने को सुन्नी कहते हैं और उन से है जो अपने को बरेलवी कहते हैं और उन से है जो अपने को देवबंदी कहते हैं और उन से है जो मुख और ग़ैर मुखलद के झगड़ों में रहते हैं मेरा उन सबसे खिताब है और सबसे पहले मैं उनको और अपने को याद दिलाता हूँ कि इन दीना इन दल्लास्लाम दीन अल्लाह के नज़दीक अस््लाम है मैं अपने को और उनको याद दिलाता हूँ कि हुआ सी मिन कबलू अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा पहले भी और इस क़ुरान पाक में भी आदम भी मुस्लिम थे और नूह भी मुस्लिम थे इब्राहिम भी मुस्लिम थे इस्माइल और इसहाक़ भी मुस्लिम थे याकूब यूसुफ़ भी मुस्लिम थे मूसा और ईसा भी मुस्लिम थे और हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तकमील के लिए तशरीफ लाए थे अल्लाह ताला ने आप पर नबूवत का इख्तिताम फरमा दिया आपको ख़ातिमबी जीन करार दिया गया आपके बाद कयामत तक कोई नबी न आया न आएगा और आपके बाद जो भी नबूवत का दावा करे वो दज्जाल है शैतान और मरदूद इंसान है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को जो, जो जिम्मेदारियाँ देकर तशरीफ़ ले गए थे वो जिम्मेदारी ये थी कि उम्म का हर फर्द अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रहे अल्लाह की रस्सी को पकड़े रहे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान किए हुए तरीक़े और इख्तियार किए हुए अमल को हुज्जत समझे लकुम फी नकुम्फी रसूल हसना अल्लाह ने फरमा दिया था कि अल्लाह के रसूल की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है नबी अकरम सल्ला वसलम तमाम टूटे हुए लोगों को जोड़ने के लिए तशीफ़ लाए थे और आपने इस दुनिया से जाने से पहले उम्मत से फरमा दिया था कि तुम टोलियों में मत बटना कुरान की आयतों के ज़रिए से भी ये सुना दिया था और अपनी ज़बान मुबारक से भी इसकी मक्द दर मक्द हदयात दी थी बल्कि ये फरमाया कि ला तरजी कु मेरे बाद काफरों की तरह मत बन जाना कि एक दूसरे की गर्दन काटो नबी ने जो हिदायत दे दी थी उन्हीं हिदायत पर अमल करना है मुहर्रम के ये दिन ऐसे तारीखी और तारीख साज दिन है कि हिजरी का साल इन्हीं से शुरू होता है पहली मुहर्रम से साल हिजरी तब्दील हो गया चौदह सौ बयालीस में हम जिंदगी गुजार रहे थे अब चौदह सौ में हम दाखिल हो चुके हैं मुहर्रम से हिजरी साल का आगाज़ होता है और मुहर्रम की दसवीं तारीख़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकरमा में रोज़ा रखते थे जब मदी ने तशरीफ लाए तो देखा कि यहूदी भी रोज़ा रखते हैं आपने मालूम किया कि यहूदी आशूरा को रोज़ा क्यों रखते हैं तो यहूदियों की तरफ़ से बताया गया कि अल्लाह ताला ने तजरत मूस आसलाम और बनी इसराइल को इसी दिन फिरौन से नजात अता फरमाई थी हम उसकी खुशी में अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं तो नबी अक्रम सल्ला वसलम ने फरमाया था नहन अकूम मूसा के तुम से ज़्यादा हकदार हम हैं और आशूरा का जो रोज़ा आप रखते चले आए थे मज़ीद ताक़द के साथ आपने उस रोज़े को न सिर्फ रखा बल्कि अपने साहबा को हिदायत फरमाई कि वो इस दिन का रोज़ा रखा करें फिर उसके बाद इस्लाम की तारीख के सफ़ात पलटते रहे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तयबा में बाद में पेश आने वाले वाकयात के सिलसिले में जो जो बातें इरशाद फरमाई थी मुसलमान अपनी आँखों से उन वाकयात को होता हुआ देखते रहे नबी अक्रम सजरत उमसम रज़ी अल्लाह तह के घर में तशीफ़ फरमा थे कमरे में आप मौजूद थे हदरत उम सलमा कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि हुजूर बेतहाशा रो रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? तो आपने फरमाया कि जबर अमीन आए और मुझे बताया कि मेरे नवासे हुसैन को मेरी ही उम्मत के लोग शहीद करेंगे और जिस जगह उनकी शहादत होगी उस जगह की मिट्टी जो खून में रल मिल गई उसका नमूना लेकर तशीफ़ लाए हैं वो वाकया जो बाद में पेश आने वाला था आलम मिसाल में अल्लाह के निज़ाम में वो दर्ज था बल्कि उसकी एक शक्ल भी मौजूद होती है लिहाजा जब्राइल अमीन हजूर अलैहि वसल्लम को मुत्तले करने तशरीफ़ लाए कि आपके बाद इस उम्मत में क्या क्या मजालम होंगे और ख़ुद आपके ख़ानदान पर इस उम्म के कुछ अफरा कैसे ेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबाही तौर पर रो रहे थे और जाहिर है कि आपको अपने नवासों से अपने फूलों से और जन्नत के शहजादों से बेानतहा मोहब्बत थी और क्यों ना हो जो भी उम्मत का फ़र्द है जो भी नबी का मानने वाला है वो सदा शबाबी ज़न्ना हसन व हुसैन पर जान छिड़कता है और जिनके दिल भी उनसे साफ नहीं हैं और जो उनके दुश्मनों और कातिलों और मुजरिमों के लिए दिल में अदना जगा रखते हैं वो नबी के नज़दीक मबगूज हैं अल्लाह के नज़दीक काबिल नफरत है फरिश्ते उन पर लानत भेजते हैं जमीन उन पर लानत भेजती है आसमान उन पर थूकता है ज़मीन पर वो बड़े मुजरम किस्म के लोग हैं जाहिर है कि इस उम्मत ने इसका अहतमाम किया और ख़ास तौर पर अहले सुन्नत को क्योंकि यह हकीकत याद रखनी थी इसलिए जुमे के खुतबों में जो भी सही माना में नबी पाक आसमाम की नुमाइंदगी करने वाला खतीब है वो ये कहता है कि अल्लाह ताला किस की सलावात हो और अल्लाह की तस्लीमात हो सदतुलसाई अहल जन्न फ़ातिमा पर और वो कहता है कि सैदा शबाबी जन्ना पर अल्लाह की तस्लीमत हो और सलावात हो, खुतबे में ख़ास तौर पर जन्नत की खातिन की सरदार सैदतनसाहीहली जन्ना हजरत फातिमा का तस्करा किया जाता है और खुतबे में हज़रात हसनैन सयदा शबाब जन्ना का तस्करा किया जाता है और ये तस्करा इसी किया जाता है कि उम्म उस सबक़ को याद रखे जो इन शहजादों के ज़रिए उम्मत को दिया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दिया कि फ़ातिमा ख़वान जन्नत की सरदार हैं तो गोया आपने उम्मत की तमाम खवातन के सामने ये कह दिया कि जैसे मेरा उसवा और नमूना तुम्हारे लिए हुज्जत है वैसे ही के लिए ख़ास तौर पर फातिमा का नमूना हजत है फातमा फातमा तमाम खवा की सरदार हैं जन्नत में जो जाना चाहता है उसकी सरदार है जन्नत में जो जाएगा उसकी सरदार हैं और जो खातून भी ऐसी होगी कि वो फातिमा की सियादत को क़्यादत को उनकी बर्तरी को तस्लीम नहीं करेगी वो इसी दुनिया में जहनमी खातून होगी और इसी तरह हजरत हसन और हजरत हुसैन की सियादत और क़ियादत का सबक इस उम्मत को पढ़ाया गया कि जो उनको सैदा शबाबी अहल जन्ना मानेगा यानी जिस तरह नबी की सियादत को माना नबी के बाद वो एक तरफ सैदुलरबी वाजम अली अबी तालिब की सियादत को मानेगा और तरक्तफ़ी लन तदिल्ल मक़् तुम भी मताबाल व सन्नति पर अमल करेगा यानी किताब अल्लाह और मेरे अहल बैत कि को मजबूती से थामने की जो हिदायत नबी पाक आलाम ने फरमाई थी जो उस पर अमल करेगा और इसी के साथ साथ फिर वो हसन व हसैन की सियादत और क़ियादत को तस्लिम करते हुए उनके नमून अमल को हजत बनाएगा वो फ़िलहकत जन्नत के रास्ते पर चलेगा और जाहिर है कि नबी पाक आसलातम के वो वफादार और जानसार सहावी अबू बकर जिन्होंने नबी पर अपनी जान कुर्बान की माल कुर्बान किया और जिनका दिल नबी की मोहब्बत से लबरेज था वो सिद्दीक जिनको नबी पाक पाकाम ने अपनी बीमारी में मस्जिद नबवी का इमाम बनाया था और जिनको फिर उम्मत ने नबी का ख़लीफा तय किया और हज़रत अली रदील्ला तू को इस पर इख्तलाफ़ हुआ था कि उनके मशवरे के बग़ैर शकीफा बनी साइदा में जल्दी से बस खिलाफत को तय क्यों किया गया लेकिन वह बहरहाल सूरत हाल का जायज़ा लेते रहे और फिर अबू बकर के हाथ में हाथ दिया उनसे जब पूछा गया था कि आप मुस्तक़्यादा थे आपने कैसे उनको कबूल किया उनका यह कहना था कि वो इसके मुस्त हैं और ज़्यादा मुस्तक हैं और मैं देख रहा था कि अगर वो गलत रविश अख्तियार करते नबी के बाद उनकी रविश गलत होती तो मेरी तलवार होती और उनकी गर्दन होती ये हजरत अली का अमल था लेकिन उन्होंने देखा कि अबू बकर ने नबी पाकसलात की सुन्नत को जिंदा कियाबू बकरीक़ ने जिस लश्कर के बारे में नबी ने फरमा दिया था कि इसको रोमन अंपायर से लड़ने के लिए रवाना किया जाना यानि हजरत उसामा इब्न जैद का कर उसको रवाना किया और नबी ने जो बात फरमा दी थी कि मेरे बाद जैसे इस इस्लाम में अभी फौज दर फौज लोग दाखिल हो रहे हैं फौज दर फौज निकलने लगेंगे तो फिर उनसे मुकाबले के लिए सिद्दीक़ ने तलवार खींच ली उमर भी उस वक्त लर्ज़ा बरंदाम हो गए थे कि जो लोग जक़त नहीं दे रहे नमाज़ तो पढ़ रहे उनसे आप क्यूँ जंग करेंगे तो अबू बकर सिद्दीक की ये फिरासत थी ये ये फ़काहत थी और उनकी ये हिकमत थी और इस्लाम का फहम था कि उन्होंने कहा कि जो नमाज और ज़क़़त में फ़र्क करेगा खुदा की कसम में उससे जंग करूँगा क्योंकि तो अल्लाह ने फरमाया फ्ताबू व आकाम उसला व आतब उसक़ा था फल्लु यानी नमाज के साथ जकवात को जोड़ा गया है लिहाजा जो इन दो फरीजों में से एक को भी तर्क करेगा उससे जंग होगी और उमर ख़त्ताब को भी अली ने देखा कि क्योंकि उमर ख़त्ताब भी उसी रविश पर चल रहे हैं अदल इंसाफ के निजाम को कायम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बातिल सल्तनतों को खात्मा कर दिया जाए और वो अपनी औलाद के लिए इंतज़ाम करने के लिए नहीं बैठे उन्होंने हुकूमत को मौरूसी नहीं बनाया उन्होंने अपनी ज़ात के लिए और ख़ानदान के लिए कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया इसलिए अली ने उनका साथ दिया, इब्न अफ़ान, ज़ुन्नूरैन कहलाए हज़रत अली ने उनका साथ दिया जाहिर है कि जो लोग हजरत अली की तरफ तकिया मनसूब करते हैं वो अली पर बुजदली का इल्ज़ाम लगाते हैं अली हैदर करार थे अली के बारे में तकिए की बात करने वाला बड़ा बेअदब है बड़ा गुस्ताख है अली का मैं एक गुलाम हूँ मैं हुसैनी हूँ मैं हजरत हुसैन की औलाद में हूँ, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ मेरा नसब नामा जो चाहे नेट पर देख ले मैं तकिया इख्तियार नहीं कर सकता मैंने आले सऊद के खिलाफ जंग छेड़ी मैंने आले नहयान के खिलाफ जंग छेड़ी हुकूमतों के खिलाफ मैंने जंग छेड़ी जब मैं एक अदना एक अदना फर्द खानदान अली और अदना फर्द खानदान हुसैन तक तक्वी, को इख्तियार नहीं करता अपने पैरों से ठोकर मारता हूँ हिम्मत और जुरत और बहादरी का तकाज़ा यह है कि हक बोलो और फिर के लिए मूसा बन जाओ कलीम बन जाओ इसलिए याद रखा जाए कि हजरत अली की तरफ तकिए की नस्बत बिल्कुल गलत और झूठ है और जाहिर है तकिया करना होता तो हुसैन कर लेते लेकिन हुसैन नहीं जानते कि तकिया कौन सी बला होती है। हुसैन सिर्फ जुरत जानते थे हिम्मत जानते थे फैसला जानते थे इकदाम जानते थे अहकाक हक जानते थे बातिल जानते थे हुसैन थे जो सियादत अहल जन्ना का फरीजा अंजाम दे रहे थे हुसैन थे अपने वक्त में हुसैन अपने वक्त में थे जो मक् मकरमा से जब कोफा जा रहे थे तो वो एक इकदाम के लिए जा रहे थे वक्त की जाबिर और जालिम हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए जा रहे थे उनका यह पैगाम है और यही पैगाम हर दौर में रहेगा जो हुसैन को मानता है उसको फिर ये जानना चाहिए कि मातम जायज़ नहीं है। उसको मालूम होना चाहिए कि ताजिया नाम की कोई बला इस्लाम में नहीं होती शरीयत में नहीं होती उसे मालूम होना चाहिए कि नबी ने फरमाया का जो इंसान भी शोर मचाए गरिबान चाक करे और बाल मून दे और सीना को भी करे मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं जाहिर नबी पाक आसलात सलाम के वालिद का इंतकाल हुआ जब पैदाइश नहीं हुई थी वालदा का इंतकाल हुआ अभी छः साल के थे और दादा का इंतकाल हुआ अभी आठ साल के थे और आपने न अपने वाल साहब का दिन मनाया न गम का दिन बनाया न पैदाइश का दिन बनाया न अपनी वालिदा की पैदाइश का दिन, का दिन, का दिन मनाया न गम का दिन मनाया और न अपने दादा अब्दुल मु का दिन मनाया न पैदाइश का न ग़म का दिन मनाया अबू तालिब सन दस नबवी में इंतकाल कर गए और न उनकी याद के लिए कोई दिन मनाया और आपकी जोजय मतहरा जिनके बारे में नबी ने फरमाया था कि ये भी दुनिया भर की खातिन की सरदार है और कोई शक व शुबा नहीं कि खदीजतुल के सामने सारी अजवाज मतहरात इस तरह झुकी खड़ी हैं जैसे अपनी माँ के सामने बुजुर्ग खातून के सामने और सैदत निसाइल आलमीन के सामने खड़ी हो कोई भी जोज मतहरा हजरत खदीजतलकुबरा के बराबर नहीं उसके करीब नहीं जो मकाम खदीजतल्कब्रा को हासिल है हजूर पाक असलात वसलाम की ज़िंदगी में और अल्लाह ताली ने जिस तरह आपको उनके ज़रिए औलाद अता फरमाई औलाद बचपन में जुकूर औलाद रुखसत हो गई और आपकी, आपकी जिंदगी में सब रुखसत हुई सिवाए फातिमा के।, जो आपकी के, महीने के बाद दुनिया से रुखसत हो गई तो नबी पाक सलातु वसलाम ने हजरत खदीजा की वफात जब दस नबी में हुई तो वफा का गम नहीं मनाया कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने आहोफुगा हाँ जब वफात हुई तो बेतहाशा गम हुआ अबू तालिब की वफात का गम हुआ वालदा की वफात का बचपन में गम हुआ और दादा की वफात का गम हुआ वो वो बचपन का गम था और ये बड़ी उम्र का गम था आपके बच्चे जो हजरत मारिया से पैदा हुए इब्राहिम उनकी वफात हुई तो आंखों में आंसू थे आपको गम था लेकिन आप ये कह रहे थे कि हम वही कहेंगे जिससे अल्लाह राजी होगा कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो इस्लाम के खिलाफ और शरीयत के खिलाफ ये नबी का खुद अमल है नबी पाकसलाम के चचा सईदा हजरत हमजा कोहद में शहीद किया गया ना कान काट दिए गए सीना चाक कर दिया गया कलेजा चबा लिया गया और नबी सलम पर उस उस वक्त गम का पहाड़ टूटा और आप गम से निढाल हुए लेकिन ये वो तबयो फितरी लम्हात थे जो हर ऐसे मौके पर होते हैं फिर उसके बाद आपने हर साल हजरत हमजा का गम नहीं मनाया ये ये याद रखना चाहिए कि अम्बिया कराम का मिशन ये है कि उनके घर वाले रुखसत हों अहबाब रुखसत हो कोई भी दुनिया में आए और जाए वो अपने मिशन के लिए दीवाने रहते हैं रातों दिन वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं दुनिया के तमाम गैर मुसलिमों के सामने दावत हक पेश करते हैं उनका काम ये होता है कि बताएं हमें अल्लाह ने साहेब रिसालत बनाया है आखिरत को याद दिलाते यही काम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था यही काम अबू बकर का था उमर का था उस्मान का था अली का था और यही काम हसन का था हुसैन का था और यही काम हजरत जैद का था इमाम जैद का था यही काम इमाम अली जैनदीन का था और इमाम बाकर का था और इमाम जाफर सदक का था यही काम था यही वो रास्ता था जिस रास्ते पर काजिम चले यही वो रास्ता था जो इमाम अली रिजा का था ए वो हजरात जो अपने को शिया कहते हैं मैंने आपसे बार बार दरख्वास्त की और ईरान में तहरान में उसकी यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस में जहाँ सुन्नी भी थे और शिया भी थे उनसे मैंने कहा कि सुनीत और शीय के जनाजे निकाल दीजिए और इस्लाम 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 बोलिए अपना तारफ़ मुस्लिम होने की हैसियत से कराइए कुरान को हजत मानिए मर्जा मानिए और उसके बाद हजूर पाक सलातम की सीरत और सुन्नत को जिस पर आपका और आपका यानी दोनों फ़िरकों बकिया तमाम फिरकों केमा का इतफाक हो जहाँ सुन्नत में इख्तिलाफ़ राय हो थोड़ी देर के लिए उसको अलग रख दीजिए लेकिन जिन हदीसों पर हजूर हुँ, पाक आसमाम की सीरत के जिन पहलुओं पर इत्तिफाक है दोनों हल्के उलमा को उसको मजबूती से थाम लीजिए पांच वक्त की नमाज का अहतमाम करना है रमज़ान के रोज़े रखना है हज करना है उम्र करना है ज़क़़्त देना है कुरान की तिलावत करना है कुरान पर तदब्बर करना है और नबी पाक की सीरत को खास तौर पर कुरान की शरह के तौर पर सामने रखना है और मैं ख़ास तौर पर उनसे कहूँगा जो मुहर्रम मना रहे हैं सीना को भी छोड़ दो तुम्हें तुम्हें यह करना चाहिए कि जिस तरह हुसैनी काफिला निकला था फौजियों की तरह फौजी स्प्रिट के साथ जिहाद के लिए वक्त की जालिम ताबूती मुजरिम हुकूमत के खात्मे के लिए आज तुम एशिया साहिबान मुहर्रम और ताजिये के इन अयाम में और मातम के इन अयाम में याद रखो कि नबी ने मातम नहीं किया अली ने मातम नहीं किया हसन हुसैन ने मातम नहीं किया जाफर ने वो बािर ने वो जैद ने और दीगर हजरात ने मातम नहीं किया वक्त की हुकूमतों से टक कर ली किसी ने अपने अपनी हकमतों के जरिए अपने कलाम के ज़रिए और अपनी शहादतों और गवाहियों के ज़रिए और किसी ने मैदानी जिहाद के ज़रिए जैसे हजरत जैद ने किया और जैसे हजरत ज़किया ने किया और जैसे हजरत इब्राहिम ने किया और जैसे हजरत याहिया ने किया, ने किया सुन्नीों से कहता हूँ कि तुम्हारे इमाम सिर्फ़ अबू हनीफा मालिक शाफ़ी नहीं और तुम्हारे बुजुर्गान अबू उस्मान सिर्फ़ नहीं तुम्हारे ही आइमां हैं आईमए अहल है, बैत इनसे मोहब्बत करो इनका तस्करा करो सिर्फ हसन हुसैन नहीं हसन हुसैन की औलाद को याद करो इमाम अबू हनीफा ला ने हजरत इमाम जैद इबन अली की उस वक्त मदद की हज़ारों दिरहम से जब वो बनी उमैया के ताू और मुजरिम हुक्मरानों के खिलाफ निकले और अब का के के तुम्हारा काम यह नहीं है कि वजूर गुसल के मसाइल मौलवियों से सीख लो उनसे पूछो कि अबू हनीफा का सियासी मौके क्या था उनसे पूछो के मालिक के हाथ क्यों उखाड़े गए कोड़े क्यों लगाए गए अहले बैस से मोहब्बत का वो क्या जुर्म था उनसे पूछो कि शाफी को यमन में गिरफ्तार करके बगदाद क्यों लाया गया हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ क्यों पहनाई गई अहले बैत की मोहब्बत का जुर्म था इसलिए याद रखें सुननी कि तुम्हारे लिए जैद इब्न अली अली जैद उल आबिदीन मोहम्मद बाकिर जाफर सादिक मूसा काजिम और दीगर हजरात ये सब तुम्हारे इमाम हैं और अगर तुम्हें एक तरफ की इमामत के बारे में कुछ शक है और दूसरी तरफ की इमामत के बारे में तुम्हें इत्मीनान है कि एक तरफ अब इमाम अबू हनीफा कहते हो और एक तरफ इमाम शाफ़ी कहते हो लेकिन नबी पाक आसलातम के जो नवासे और, और, और पर नवासे उनके बारे में इमाम के लफ्स से तुम्हें दुशारी होती तो याद रखो अगर ये माना जाता हो कि इमाम मासूम होता है तो जाहिर है कि तुम्हारे खलीफा भी मासूम नहीं होता न खलीफा मासूम होता है न इमाम लेकिन अलिया को तुम कहते हो कि वह महफूज होते हैं नबी मासूम होते हैं तो यही मान लो कि वलीजुमिन और फिर उनके बाद जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि वह इतरती थी वो महफूज होते हैं लिहाजा मासूम न कहो महफूज कहो अलिया को अगर महफूज कहते हो तो कम अज कम ये ऐसे औलिया जिनकी वलायत का ऐलान हजूर ने फरमा दिया इसलिए जो कुछ करना है वो ये मैं कहूंगा कि मुहर्रम की मजलिसों की जगह फौजी ट्रेनिंग लो तुम तैयारी करो इस तरह बड़ी बड़ी ट्रेनिंग के सेंटर आर एस एस के हैं तुम आज के मुहर्रम के अयाम में ट्रेनिंग के सेंटर बनाओ तुम अपनी फौजी तरबियत हासिल करो तुम घुड़सवारी करो तुम ताज़िये लेकर ऊँटों पर बैठ कर और घोड़ों के मुजाहरे करके तमाशे मत दिखाओ तुम मुल्क की किस्मत को तब्दील करने के लिए उठो जो काम हजरत हुसैन ने जो काम इमाम हुसैन ने जो काम अपने दौर के सैदुलशादा हुसैन ने करना चाहता था जिस हुकूमत से टक्कर लेनी चाहिए थी वो तुम्हारा काम है जहाँ जुल्म देखो जुलम हरा की सरजमीन पर हो रहा हो तुम्हारे पड़ोस में हो रहा हो जुलम ईरान में हो पाकिस्तान में हो हिंदुस्तान में हो हर के खिलाफ पूरी क़ुत के साथ एक मतहद सब बन कर सामने आ जाओ अभी पांच अगस्त को रब आलम इस्लामी में शिया सुन्नी इतफाक की एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसी की तर्जुमानी करते हुए दिल्ली में हमारे

ये कहते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे फतह मुबीन की खुशी हो रही है आज मुझे ये खुशी है कि 10-15-20 साल से जिस इतिहाद मिल्लत की बात मैं कहता रहा हर प्लेटफॉर्म से कहता रहा आज आजाए मिल्लत ने उससे इत्फाक़ कर लिया और ये ऐलान किया कि शिया हों या सुन्नी हो बरेलवी हो या देवबंदी हो हम सब भाई भाई हैं हम सब मुतहद होकर रहेंगे बहुत मुबारक बहुत मुबारक मैंने उस वक्त ऐलान किया था कि अब जो जुमा आएगा हर जुमे के खतीब और इमाम के जिम्मे है कि वो इतिहाद मिलत के मौजूद पर बयान करे और के हर रास्ते को बंद कर दिया जाए उम्मत से उत का खात्मा करो फिर इंसानियत के इतिहाद की तरफ बढ़ो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हैं सब आदमोहवा के बेटे हैं सब एक ईश्वर के बंदे हैं एक मालिक और परिगार से ताल्लुक रखते हैं लिहाजा सबको इंसानियत का सबक दो सब को नौता की लड़ी में पिरो दो और सबको समझो कि ये भी भाई भाई हैं इन इंसानी भाइयों को हक की तरफ लाना है और हर शख्स को अपनी बात सलीके से और हिकमत से कहना है तो जरूरत इस बात की थी आज अल्लाह का फजल है कि यह बात आलमी सतह पर सुनी जा रही है तुर्की एक सुन्नी मुल्क है और अफगानिस्तान कट्टर सुन्नी मुल्क है लेकिन आज ये दोनों मुल्क ईरान के दोस्त हैं आज ईरान और तुर्की और तालिबान ये सब एक जगह खड़े हुए हैं इनके दरमियान तफरीक पैदा करने वाले नाकाम हो रहे हैं और जो सुनी तो शीय के नारे लगा कर हमेशा जहर डालते रहे और फितने बोते रहे आज उनकी गुंग हो गई हैं और अब जाहिर है कि जब मौलाना राबे साहब और मौना अरशद साहब और जनाब अशरफ कचोचवी साहब और मौना तो़ी रज़ा साहब और कल्ब जवाज़ साहब जब सब एक ही जगह जमा हो गए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो गए और ये तय किया कि हम हम भाई भाई हैं हमारे मसलक का अख्तलाफ हो सकता है लेकिन उस अख्तिलाफ से कोई निज़ा नहीं होना चाहिए ये जो फैसला किया जा रहा है आलमी सतह पर खुदा करे मुखलसाना हो अगर ये मुखलसाना फ़ैसला होगा तो एक इनकलाब बरपा हो जाएगा अगर खुदा न खास्ता जाहिर दारी होगी या नुमाइश होगी तो ये उम्मत टूट जाएगी और इस उमत के खिलाफ इस वक्त फितनों की बारिश है और ज़मीन से फितने उबल रहे हैं और आसमान से फितने बरस रहे हैं इस मौके पर व तस्सीम बेहिल्ला जमीआउ वाला तफर रकू के सबक को मजबूती से याद रखना है कि अल्लाह की रस् को सब मिलकर मजबूती से थाम लें ये मैंने चूंकि तमाम खुतबा और आइम्मा से कहा था कि इतहाद मिल्लत पर जुमे में खिताब करें इसलिए मुझे लाजिम था कि मैं इस खिताब का आगाज़ करूँ लिहाजा अगरच मैं जुमे का ख़ुदबा नहीं देता हूँ और नमाज नहीं पढ़ाता हूँ पंज वक्ता भी नहीं माज़ूर हूँ घटनों की तकलीफ़ों की वजह से इसलिए मक्तदी ही बनता हूँ लेकिन आज मैं जुमे में यह खिताब कर रहा हूँ और इन आइंदा हर जुमे में मेरा एक खिताब जुमा होगा जो साढ़े बारह बजे से शुरू होकर इन बजे से पाँच मिनट पहले तक चलेगा उसके बाद ज़ाहिर है कि मस्जिद में नमाज़ में मेरी शिरकत होगी इसलिए मैं चाहूँगा तमाम साथियों से कि अपने मोबाइल को तैयार रखा करें और लिंग से मरबूत हो जाएं और ये खुतबा ज़रूर सुने और आज का जो खुतबा है इसको आम करें मिलत को जोड़ने का काम करें अल्लाह हम सब का हामी हो नासिर हो मददगार हो